हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो रामो हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और मैं काफी सबका धन्यवाद देना चाहूंगा, और जिनके सब भक्तों के लिए जो जुड़ गए हैं आज के भागवत कथा के लिए। तो हमने जो है कल जो है 36वें श्लोक तक चर्चा किया था, श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद और 36वें छठे अध्याय पे। तो थर्ड कैंटो 6 चैप्टर टिल वर्स नंबर 36 हमने चर्चा किया हुआ है। तो आज हम जो है 36 वर्स से ही कंटिन्यू करेंगे, तो सब लोग साथ में चैंट कर सकते हैं 36 श्लोक। तथापि कीर्तयाम अंग यथा मति यथा श्रुतम कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिराम अन्य विधाशताम विधाशितिम। तो इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे मैत्रेय ऋषि बोल रहे हैं कि मैं भगवान की हरि कथा जो है वर्णन कर रहा हूँ, यथा मति यथा श्रुतिम, तो जितना मेरी कैपेसिटी है, जितने मेरी शक्ति है, जितना मैंने एक श्रवण किया है, और श्रवण करने के बाद यथा मति मतलब जो मैं अपने बुद्धि द्वारा जितना समझ पाया हूँ उतना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बताया जाता है जब हम ऐसा बोल करते हैं तो हमारी जीवा का सदुपयोग होता है, तो वो जो है बताया जाता है असतिम, नहीं तो अगर हम वैसा नहीं करते हैं तो हमारे जीवा का दुरुपयोग होता है, तो ऐसा वर्णन करते हैं। तो ये कल तक हमने इतना चर्चा किया था, और आज प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बतलाते हैं वो हम देखते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि जो हमारी चेतना है वो कभी भी जो है शांत नहीं रहने वाली, एक पल में भी नहीं। यहाँ तक कि जब हम सो भी जाते हैं तो हम सपने देखने लगते हैं, अर्थात हमारी जो चेतना है वो हमेशा जागृत अवस्था में ही रहती है। तो ऐसी चेतना को हमें जो है कृष्ण भावनामृत करना जरूरी है, नहीं तो वो हमेशा विचलित ही रहेगा। तो जैसे प्रभुपाद बताते हैं आगे, बट वेन द इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रग इज फिनिश्ड और वेन वन इज अवेक द कॉन्शियस अगेन एक्ट्स अर्नेस्टली। यहाँ तक कि अगर कोई जो है बेहोशी की हमें दवा भी दे दे या एनेस्थाइज कर देते हैं जैसा बोलते हैं मेडिकल साइंस में, तो उस समय हो सकता है कि हम सोए रहे, हमारा जो है हम ज्यादा कुछ सोचे नहीं, लेकिन जैसे ही हम जागृत अवस्था में आ जाएंगे फिर से हम कार्य करने लगेंगे। तो हमारी चेतना हमेशा जो है विकसित रहती है, चेतना हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती है और कार्य करती रहती है। यहाँ तक कि जब हम शारीरिक रूप से सो जाते हैं तब भी हमारी चेतना सपने देखती है, सब करती रहती है, तो हमेशा वो कार्यशील रहती है। तो इसलिए हमें उसे भगवान के साथ जोड़ना है, तभी हमें पूरी तरह से संतुष्टि मिल पाएगी। फिर प्रभुपाद बोलते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिपीट ऑल द वन हैज हर्ड फ्रॉम अ स्पिरिचुअल मास्टर, बट वन कैन नरेट एज फार एज पॉसिबल बाय वन्स ऑनेस्ट एंडेवर। तो देखिए यहाँ प्रभुपाद जी स्वयं बोल रहे हैं कि हमसे पूरी तरह से जो हम गुरु के मुख से सुनते हैं हम दोहरा नहीं सकते, वो बिल्कुल हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन जितना हमारी क्षमता अनुसार है, और प्रॉपर लिखता है ऑनेस्ट एंडेवर मतलब आप मेहनत करके जितना दोहरा सको तो वो भी प्रामाणिक है। तो ये चीज मुख्य है कि जो हम गुरु से सुनते हैं उसे प्रेरणा लेते हैं और उसके बाद हम खुद उत्साहित हो जाते हैं। तो बताया जाता है इस जगत में लोग दो ही चीज से जो है उत्साहित होते हैं या प्रेरणा लेते हैं, एक जब कोई पैसा देता है, बाहर की दुनिया में जब कोई पैसा देता है तो लोग काम करते हैं उनके लिए, और आध्यात्मिक जीवन में जब हम देखते हैं कि कोई गुरु या कोई जो हमारे ऐसे शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, हमारे से वरिष्ठ भक्त हैं, काउंसलर हैं, जो बहुत जो है मेहनत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उनको देख के हमें इंस्पिरेशन मिलता है, हमें उत्साह मिलता है। तो ये दो ही चीज से पूरी दुनिया चल रही है, या तो पैसे से या तो फिर किसी ऐसे भक्त के इंस्पिरेशन से। तो भौतिक जगत पैसे से चलता है, आध्यात्मिक जगत इंस्पिरेशन से चलता है। तो हमें जो है हमारी क्षमता अनुसार
समझना चाहिए और उसको बताने की कोशिश करनी चाहिए, वो हमने कल भी चर्चा किया था। फिर बताते हैं, वन मस्ट अटेम्प्ट टू एंगेज वंस बॉडीली मेंटल एंड वर्बल एक्टिविटीज एंड ट्रांसलेट ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड, अदरवाइज सच एक्टिविटीज रिमेन अनचेस्ट एंड इम्प्योर। तो हमारा शरीर, प्रभुपाद बोल रहे हैं, हमारा बोलने की शक्ति और हमारा मन, इन तीनों चीजों को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये तीनों की तीनों चीजें अशुद्ध हो जाती हैं। अर्थात भगवान की सेवा में हमें अपना हमेशा शरीर, मन और शब्द हमेशा भगवान की इसमें लगा के रखना है। तो वही चीज जो है प्रभुपाद बताते हैं, त्रिदंडी सन्यासी का भी मतलब होता है। तो जो हम देखते हैं जब सन्यासी हैं इस्कॉन में, वो जो डंडा लेके घूमते हैं, तो उसे त्रिदंडी सन्यासी बोलते हैं उनको। त्रिदंडी क्यों? क्योंकि उसके अंदर तीन डंडे होते हैं, और इस तीन डंडों का मतलब है कि उन्होंने अपना शरीर, मन और शब्द पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दिया। तो जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं, ऐसा नहीं है कि त्रिदंडी सन्यासी से सन्यासी लोगों के लिए ही है, बाकी जो भी भक्त जो है पूरी तरह से अपना शरीर, मन और शब्द भगवान की सेवा में लगाएगा, तो उसे भी भगवान की उतनी ही कृपा मिलेगी और उतने ही भगवान को प्रिय रहेंगे। और उसके विपरीत में बोलते हैं, जो मायावादी सन्यासी होते हैं, वो एक डंडे सन्यासी लेके घूमते हैं, एक ही डंडा होता है उनका, और उनका एक ही लक्ष्य होता है कि हम जो है भगवान बन जाएंगे, तो जो वैष्णव को भी स्वीकार नहीं करते। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि हम जब भी भगवान का गुणगान करते हैं तो भगवान की इच्छा और हमारी इच्छा एक हो जाती है। तो मायावादियों का कहना है कि हम और भगवान एक हो जाते हैं, तो भक्तों का कहना है हम और भगवान इच्छा में एक हो जाते हैं। मतलब हम दो, भगवान के और उनके भक्तों की एक ही इच्छा होती है। क्या भगवान की इच्छा है कि सारे जीव जो है इस भौतिक जगत से निकल के भगवत धाम आ जाए, और जो शुद्ध भक्त होता है उसी कार्य के लिए पूरा जीवन भर व्यतीत रहता है, उसी कार्य में लगा रहता है, सारे सारे बद जीवों को किसी न किसी तरीके से भगवान की तरफ जो है मोड़ सके और जोड़ सके और उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाए। तो ये हमने देखा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि हमें ये बहुत ध्यान पूर्वक ये श्लोक लेना है कि कैसे हमारी जितनी क्षमता है उतनी क्षमता अनुसार हमें सुनना चाहिए भक्ति के बारे में अपने गुरु महाराज से, बाकी भक्तों से, और फिर अपनी शक्ति अनुसार हमें जो है देने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई कंजूस रहता है, कंजूस अर्थात जो जिसका बहुत कुछ है पर देता नहीं है, तो उसी प्रकार से अब हमें समझना है कि प्रभुपाद जी ने इतना कुछ दिया है। देखिए अभी हम तीसरे स्कंद पे हैं और अभी हमको पूरा 12वें स्कंद तक जाना है, और कृष्णा की कृपा रही तो हम लोग जो है धीरे 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 करते हुए कथा कराते रहेंगे। और जैसे मैंने बताया है कि लॉकडाउन जब तक चलता रहेगा तब तक तो हम कथा शाम को करते रहेंगे, और उसके साथ साथ जब लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो हम जो है यही भागवतम क्लास सुबह के समय कर देंगे, जिससे कथा हमारी कंटिन्यूस चलती रहे। तो अभी हम देख रहे हैं कि हो सकता है ये हमारा 80 के प्लस लेक्चर्स हो चुके हैं, पर 80 लेक्चर होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद की इतनी नई नई चीजें हमें मालूम चल रही है, तात्पर्यों में इतना नया नया चीज प्रभुपाद ने सिखाया है। तो उस तरह से जो है हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद, या जैसे बोलते हैं ना कि कोई हमारे परम पूज्य दादाजी होते हैं, तो अपने पोतों के लिए जो है काफी धन इत्यादि छोड़ के जाते हैं, तो हमारे आचार्य प्रभुपाद ने हमारे लिए इतना ज्ञान छोड़ के रखा है जिससे हम जीवन पर्यंत भगवान की भक्ति में लगे रहें और हम उत्साहित हो सकें और प्रेरणा ले सकें। और यही प्रेरणा जो हमें मिल रही है वो हमारा उद्देश्य है, हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, हम दूसरों को देने की कोशिश करें। तो जितने भी भक्तगण हैं हमें संकोच नहीं करना चाहिए, कम से कम एक व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जिसको हम देने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम उसका कल्याण करना चाहते हैं, पर हम अपने आप को ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि हम ये ज्ञान बांटना चाहते हैं, लोगों को देना चाहते हैं। अगर आप एक व्यक्ति को देने में समक्ष रह पाए, आप उनको बताने में जो है कंफर्टेबल हैं, आप बता सकते हैं, आप प्रचार कर सकते हैं, तो हो सकता है आप 2 को बताओगे, हो सकता है आप 10 को बताओगे, हो सकता है कल आप 1000 को बताओगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें शुरू करना है। तो
तो कोई भी एक जो है परिवार वाले हैं या दोस्त है मित्र है जो थोड़ा भी श्रवण करने के लिए तैयार है तो उनको आप बताना चालू करें, तो उससे क्या होगा, यही भागवत का ज्ञान और फैलेगा, तो उनका भी कल्याण होगा जो सुनेंगे, आप लोग जो बोल रहे हो आप लोगों को भी मदद होगा। अब आप देख रहे हैं कि मैं भी जो है जितना हो सकता है अपनी क्षमता अनुसार बताए जा रहा हूँ आप लोग को भागवतम रोज का। तो यहाँ यही श्लोक का मतलब है, यथामति यथाश्रुतम, कि जितना हम श्रवण कर रहे हैं अपने गुरु से लेकिन अपनी शक्ति अनुसार अपनी बुद्धि अनुसार हमें दूसरों को देना चाहिए, तो हमारे जीवन का जो है सार्थकता होगी, वरना जीवन हमारा व्यर्थ जा सकता है। फिर जो है 37वां श्लोक भी महत्वपूर्ण है, तो उसको भी हम साथ में चर्चा करेंगे, सब लोग साथ में बोल सकते हैं। एकांत लाभम वचसा नुपुंसाम सुश्लोक मौले पुनवाद माहो श्रुते च विद्वाभिर उपाकरात्याम करात्याम कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। तो इसमें बताया जाता है कि कैसे जो है जो जीवन का सबसे संपूर्ण सार्थकता होगा वो है भगवान का गुणगान करके। जो पहले ही हमने पिछले श्लोक में सुना था हरि कथा, वैसे ही चीज बताया, एकांत लाभम। एकांत लाभम मतलब हाईएस्ट गेन, सबसे ऊंचा लाभ क्या हो सकता है, जब हम अपना जीवन में भगवान की हरि कथा को सबसे उत्तम जो है स्थान दें। तो इसके बारे में वर्णन किया जाता है कि भगवान ने इतने शास्त्र इसलिए लिखे हैं जिससे हमारे कर्ण का कानों का जो है पूरा उद्देश्य सबसे जो है पूरी तरह से उसका उद्देश्य का कल्याण हो और वो हम ये सब हरी कथा सुन सके। तो कथा सुधायाम का मतलब है कि ये अमृत के समान है, और हमें श्रुते श्रुतेश का मतलब है कर्णों के द्वारा श्रवण करना चाहिए इसका। तो भगवान की हरी कथा जो है जब हम श्रवण करते हैं अपने कर्णों द्वारा, उससे हमें ये जो अमृत के समान है, तो हमारा जीवन का जो है सबसे उत्तम कार्य हम सिद्ध कर रहे हैं, हमारा जीवन का जो बोलते हैं ना सबसे हमारा कल्याण हो रहा है जब हम भगवान की हरि कथा श्रवण करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि गुणावादम, ये शब्द का मतलब है कि भगवान के गुण, तो वो जो है भक्तों के लिए चर्चा करने का विषय बन जाता है। तो ये भक्तों के चर्चा करने के लिए हम भगवान का जितना हम चर्चा करेंगे विषय से, तो उन सब विषयों से हम आकर्षित हो जाएंगे और फिर हम भौतिक चीजों से आकर्षित नहीं होंगे। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हमें वास्तविक रूप में अगर भौतिक चीजों से निरासक्त होना है, डिटैच होना है, तो उसके लिए हमें मेहनत करके भगवान से आसक्त होना पड़ेगा। तो भगवान की भक्ति करेंगे और उनके लिए हम मेहनत करते रहेंगे, तो अपने आप ही बाहर की भौतिक चीजों के प्रति हमारी पूरी तरह से आसक्ति खत्म हो जाएगी। फिर 38वें श्लोक में बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने जो है 1,000 साल तक तपस्या की, और फिर ये समझा कि भगवान की जो है लीलाएं या भगवान के जानना जो है ये अचिंत्य है। तो कई भक्त लोग बताते हैं इस्कॉन का एक अच्छा है, कई बहुत मुश्किल से चीज आ जाता है जिसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते, तो हम उसको अचिंत्य करके बोल देते हैं। अचिंत्य मतलब आप उसको समझ नहीं सकते, लेकिन ये चीज समझना है हमको कि ब्रह्मा जी जो जो है पहले बनाए हुए भगवान के पुत्र हैं, और वो 1,000 साल की तपस्या करने के बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, ये 38वें श्लोक में आ रहा है कि भगवान जो है अचिंत्य हैं। तो ऐसा नहीं कि हम ही बोलते हैं भगवान अचिंत्य हैं, बट ब्रह्मा जी बोल रहे हैं अचिंत्य हैं, मतलब हम कभी समझ नहीं पाएंगे, पर हमें इतना समझना है कि हाँ भगवान अचिंत्य हैं, और हमारा इतना कर्तव्य है कि जितना हम समझ सकें समझें, और भगवान की गुण लीला कथाओं में जो है आनंद लें और अपनी शक्ति अनुसार दूसरों को भी बांटें। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई नम्रता से भगवान की हरि कथा सुनेगा प्रामाणिक भक्तों से, तो उनको संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक आनंद आने लगेगा हरिनाम में और हरि कथा में। तो अगर आप प्रामाणिक भक्तों से अगर आप श्रवण कर रहे हैं, तो उसका फल स्वरूप ये रहेगा कि आपको आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होगी।
तो ये हमें समझना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, प्रामाणिक भक्त से सुनना है क्या हरि कथा, और सुनते समय हमें नम्रता का हमारा भाव होना चाहिए। तो तीन चीजें हैं। देखिए, हमें आनंद चाहिए आध्यात्मिक हरि कथा में, जब हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं हमें आध्यात्मिक आनंद मिलेगा, पर उससे पहले तीन चीज है, जो बोलने वाले हैं वो प्रामाणिक है, और प्रामाणिक होने के बाद वो क्या बोलने चाहिए, से हरि कथा, और जब हम सुन रहे हैं हम नम्रता पूर्वक सुने, अगर ये तीनों चीज लाइन में है तो हमें आध्यात्मिक आनंद मिलेगा। तो इसकी पुष्टि करते हुए प्रभुपाद जी 9वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक का वर्णन करते हैं। महात्मानस्तु मम पार्था दैवं प्राकृतमाश्रिता भजन्त्याननयामनस्यो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततम् कीर्तयन्तो माम यदन्तश्च दृढवृता नमस्तन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्तो उपासते। तो बताया जाता है राधा रानी का वर्णन पूरे गीता में नहीं है, कहीं पे भी आप देखोगे तो राधा रानी का नाम नहीं मिलेगा आपको, पर यहाँ पे इनडायरेक्ट तरीके से 9.13 में, ये प्रभुपाद के तात्पर्य में यहाँ पे नहीं है, दूसरी जगह से मैं बता रहा हूँ आपको, कि महात्मानस तो माम पार्थ दैवीं प्राकृति माश्रिता। तो जो दैवी प्रकृति है वो भगवान की अंतरंग शक्ति अर्थात राधा रानी की शक्ति के साथ संबोधित करके बताया गया है। तो जो भगवान के महान भक्त हैं वो अंतरंग शक्ति के द्वारा उनको स्फूर्ति मिलती है भक्ति में, और वो हमेशा भजंत्या अन्य मनुष्यों कि वो पूरी तरह से भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उनका मन किसी भी दूसरी चीजों से विचलित नहीं होता। और किस तरह से वो अनन्या भक्ति में लगते हैं, मतलब शुद्ध भक्ति में कैसे लगते हैं, वो अगले श्लोक में बताया है। सततम कीर्तयन्तो माम, तो प्रभुपाद जी को पूछा गया था कहाँ लिखा है गीता में 16 माला करने को बोला, तो प्रभुपाद जी ने ये 9.14 श्लोक बोला था। तो भक्तगण इसका नोट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको कंठस्थ भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी हमें कई लोग पूछेंगे कहाँ लिखा है गीता में तुम लोग 16 माला करते हो या 2 घंटा माला करते रहते हो। और कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे रिश्तेदार लोग ही हमको बोलते रहते हैं, अरे कहाँ लिखा है, क्यों हमेशा माला करते रहते हो। तो प्रभुपाद जी को जो पूछा गया था कहाँ लिखा है गीता में 16 माला करना चाहिए, तो प्रभुपाद ने ये श्लोक बोला था, सततम कीर्तयन्तो, और बोला कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आपको हमेशा माला करना चाहिए। हमेशा माला करना चाहिए मतलब सततम कीर्तयन्तो, 1 एंड 2 राउंड के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं कर सकते हैं। तो बहुत कृपा करके प्रभुपाद जी ने हम लोग को बोला है ठीक है से 16 माला कर लो, और इतना तो कम से कम करो। ठीक है, तो इसका वर्णन आता है कि यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो परा प्रकृति है, तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो परा प्रकृति अर्थात अंतरंग शक्ति में आश्रय रहते हैं। अंतरंग शक्ति कौन कौन है, कौन सी है, तो वो बताते हैं लक्ष्मी देवी, सीता देवी, राधा रानी और रुक्मणी देवी। तो ये चार जो है भक्तों का, चार भगवान के अंतरंग शक्तियों का वर्णन किया गया है, लक्ष्मी देवी, सीता देवी, राधा रानी और रुक्मणी देवी। तो ये है अंतरंग शक्ति। तो इसलिए राधा रानी का नाम इनडायरेक्टली इस श्लोक में 9.13 में आता है। तो जब आगे प्रभुपद बताते हैं, डिवोशनल सर्विस इज मैनिफेस्टेड बाय द प्राइमरी प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड, कि जो अगर हम भक्ति कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना है भक्ति की परिभाषा बार बार प्रभुपाद जी भागवतम में स्पष्ट किए हैं कि भक्ति मतलब श्रवण कीर्तन, भक्ति मतलब श्रवण कीर्तन, कि जब हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो हम भक्ति में जो है भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। फिर बताते हैं प्रभुपाद कि दे एंजॉय हियरिंग अबाउट हिज ग्लोरियस एक्टिविटीज इन ट्रांसलेटेड डीलिंग्स हिज डिवोटीज और विद डीमंस। तो भक्तों को बहुत आनंद आता है भगवान किसी के साथ भी आदान प्रदान करें, भगवान भक्तों के साथ भी आदान प्रदान करते हैं और दानवों के साथ भी। तो भक्तों को भगवान का आदान प्रदान दोनों के साथ ही आनंदित करता है, क्यों, क्योंकि भगवान केंद्र बिंदु है, भगवान बीच में है। तो बोलते हैं कि इससे भक्तों को आनंद इस जीवन में मिलता है और उसके अगले जीवन में भी, अर्थात भगवान की हरि कथा इतनी शक्तिशाली है, हम हरि कथा से जुड़े रहेंगे, उसमें आनंद भोगेंगे, तो हमें आनंद इस जीवन में तो मिलेगा ही। जैसे हम लोग सब हरि कथा सुनने की कोशिश कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो हमें जो है इस जीवन में भी आनंद मिलेगा और इस जीवन के पर्यंत अगले जीवन में भी आनंद मिलेगा, अर्थात हम जो है भगवत धाम जा पाएंगे या ऐसे जगह जा पाएंगे जहां से भगवान हमें अपने धाम लेके जाएंगे।
हम सबकी शुद्धिकरण पे, हम सबकी भक्ति पे निर्धारित है ये चीज, तो हम जो है इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी आनंद प्राप्त कर पाएंगे। तो ये हुआ 38वां श्लोक। अभी हम जो है 39वें वर्स पे आ जाते हैं। अथो भागवतो माया मयि नामपि मोहिनी यथा स्वयं चात्म वर्तमात्मा न वेद किं भूता परे। हाँ, यहाँ बताया जाता है यत स्वयं चात्म वर्तमात्मा न वेद। इसका मतलब है कि भगवान स्वयं अपने आप को जान नहीं पाते हैं। हाँ, और बाकी सब लोगों का छोड़ दीजिए, तो भगवान की शक्ति इतनी प्रबल है और इतने भगवान ये हैं कि भगवान की शक्ति हमेशा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, तो भगवान भी अपने आप को पूरी तरह से जान नहीं पाते हैं। तो बोलते हैं ये सबको जो है मोहित कर देती है, सबको जो है भ्रमित कर देती है भगवान की ये शक्ति। तो यहाँ तक कि भगवान स्वयं अपनी शक्ति को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, तो हम सब जीव या देवतागण भी नहीं समझ पाते हैं, सब लोग जो है परास्त हो चुके हैं। तो हमें सिर्फ इतना समझना चाहिए कि हम इसको एक चीज समझ लें कि भगवान अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। पहला तो हमें जो है पूरी से समझ नहीं आ सकता, पर हमें जितना भी श्रवण करने को मौका मिल रहा है, जितना भी हम सुन रहे हैं, तो उसमें हमें जो है आनंदित होना चाहिए। और फिर बताते हैं भगवान की शक्ति है कैसे है। तो प्रभुपाद उदाहरण भी दे रहे हैं तात्पर्य में उन 39 वर्स में कि एक बरगद का पेड़ होता है, उसके एक बीज में जो है एक फल में जो है हजारों बीज होते हैं। एक बरगद के पेड़ में इतने सारे फल होते हैं और उसमें एक एक बीज में हजारों फल होते हैं, हजारों बीज होते हैं एक एक फल में, और उसमें से फिर एक एक बीज में और हजारों फल आने का शक्ति होती है। तो कैसे ये विस्तार पूर्वक है हम समझ नहीं सकते, पर ये भगवान की शक्ति है। तो हम भगवान को अपने भौतिक इंद्रियों से, मन से समझ नहीं सकते, सिर्फ भक्ति के शक्ति से समझ सकते हैं। तो फिर 40वें श्लोक में बताते हैं कि हमारे शब्द, हमारा मन और हमारा अहंकार, हाँ, हमें उन सबको उससे समझना चाहिए। और यहाँ तक कि देवतागण जो है भगवान को समझ नहीं सकते, इसलिए हमें प्रणाम करना है। तो ये मैत्रेय मुनि जो है अंतिम में, ये जो पूरा अध्याय है उसके अंतिम में बता रहे हैं कि क्या करना है हमें। हम भगवान को समझ तो नहीं सकते, तो इसलिए हमें जो है सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का सेवा करना है। तो यहाँ बताते हैं कि वेद, अच्छा ये एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है, जरा ध्यान से सुनिए। तो बोलते हैं वेद, ब्रह्मा और रुद्र और सारे देवतागण, और यहाँ तक कि बृहस्पति, बृहस्पति मतलब जो देवताओं के गुरु हैं, तो वो लोग जो भगवान को नहीं समझ सकते, तो भक्त को इतना समझने की क्यों कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आप और मैं, अगर हम लोग आपस में चर्चा करें, तो प्रभुपाद जी ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जो वेद है, वेद हमें मालूम है ऋग यजु साम अथर्ववेद लाखों लाखों श्लोकों में है, और ब्रह्मा जी जैसे जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, शिव जो भगवान के जो है अलग शक्ति हैं, जीव तत्व में नहीं आते, जो है भगवान के अलग शक्ति में आते हैं, शिव शक्ति जिसे बोलते हैं वो, और यहाँ तक कि सारे देवतागण और देवतागण के गुरु बृहस्पति, जब वो लोग नहीं समझ सकते, तो हम और आप क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के। तो प्रभुपाद जवाब देते हैं कि हम जब भक्त होते हैं, भगवान को समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि भगवान को कोई नहीं समझ सकता, लेकिन जब भगवान की हरि कथा सुनते हैं, तो हरि कथा सुनते समय जो है उनको एक दिव्य आनंद की भूति होती है, दिव्य आनंद उनको प्राप्त होता है। तो ये दिव्य आनंद की प्राप्ति के लिए जो भक्तगण है वो बैठ के चर्चा करते हैं भगवान की कथाओं के बारे में, भगवान की लीला के बारे में। तो वो एक चीज है कि बड़े से बड़े देवतागण समझ नहीं सकते, वो एक है, लेकिन दूसरा है कि जब भक्तगण उनके बारे में चर्चा करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, सिर्फ श्रवण मात्र से उनको ऐसा दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, जो स्पेशियस रूप से प्रभुपाद बोलते हैं अभक्त समझ नहीं सकता। तो जो नॉन डिवोटी है उसके मन में चलता रहता है, ये लोग क्या करते रहते हैं, रोज भगवान का माला लेके बैठे रहते हैं, रोज जो है घंटों घंटों कथा सुनते हैं या पढ़ते रहते हैं। तो ये आध्यात्मिक आनंद जो हमें मिल रहा है, क्योंकि वो जो नॉन डिवोटी है, जो अभक्त है, उसको उसको उसका बिल्कुल आनंद मालूम नहीं है, इसलिए उसको कभी समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए जो नॉन डिवोटी होते हैं वो हमेशा डिवोटी के अगेंस्ट में ही रहते हैं। तो
तो उनको लगता है ये लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि उनको आनंद नहीं मिल रहा। तो जब तक आप भक्ति नहीं कर रहे हो, जब तक आप सेवा नहीं कर रहे हो, तो भगवान आपको आनंद देंगे ही नहीं। तो दूसरा एक चीज, तो ये मुख्य चीज है आज इस अध्याय का जो समाप्त हो रहा है, छठा अध्याय, उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं ये चीज मुख्य, कि हमें एक दिव्य आनंद की भूति आनंद मिल रहा है, और वो भगवान अपने आप ही परमात्मा के रूप में हृदय के अंदर जो है सब भक्तों को देते हैं, जो भगवान की कथा करते हैं, भगवान की बार में श्रवण करते हैं। तो एक चीज मेरे को भक्तों ने सिखाया था जो बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए जानना, कि कैसा नल होता है। नल तो नल में मालूम है, हम जैसे नल को खोल देते हैं तो पूरा पानी गिर जाता है। तो वैसी नम्रता जो है वो उसके समान है, जैसे आप नल को हमेशा टाइट रखते हैं, हमारी इंद्रियां हमेशा वश में रहती हैं नम्रता। जैसे आप में नम्रता नहीं रहेगी, आप जो है आप में अहंकार आएगा, आप वैष्णव अपराध करने लगेंगे, तो वो नल खुल जाएगा, वो टाइट नहीं रहेगा, और हमारी सारी इंद्रियां जो है जो वश में है वो पूरे वश से छूट जाएंगी, और वो सब जो है अलग अलग कार्य करने लगेंगी। तो नम्रता एक वॉल्व है जो पूरे नल को बंद करके रखती है। इसलिए आप भागवतम में देखेंगे बार बार आ रहा है, पहले भी और आगे भी आएगा, नम्रता पूर्वक श्रवण करना, नम्रता पूर्वक गुरु की सेवा करना, तृणादपि सुनिश्चेन्ना, नम्र रहना बहुत जरूरी है। तो ये जीवन काल के लिए हमें ध्यान रखना है, ये नम्रता बहुत मुख्य है। जैसी नम्रता हमारे जीवन से छूटेगा, तो उसी समय जो है हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं रहेंगी, हम अपनी इंद्रियों से गलत कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। तो इसके साथ हम जो है छठा अध्याय समाप्त कर रहे हैं, और भी हम सातवें अध्याय में जो है हम पहुंच गए हैं, और सातवें अध्याय का हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ संक्षेप में बता दूं इस अध्याय में क्या है, और उसके बाद हम जो है विस्तार पूर्वक श्लोक लेके चर्चा करेंगे। तो पहले सात श्लोकों में वर्णन आता है कि विदुर जी जो हैं वो पूछ रहे हैं प्रश्न ईश्वर के बारे में और जीवों के बारे में। तो ईश्वर उनके गुणों के बारे में और जीव हमारे गुणों के बारे में, तो उसके बारे में विदुर जी पूछ रहे हैं। तो ये हमें भी काफी रोमांचकारी लगेगा, क्योंकि हम कैसे इस भौतिक जगत में बद्ध हुए हैं और कैसे हम माया के प्रपंच में पड़ते हैं, वो सब प्रश्न उठा रहे हैं विदुर जी। और 8 से 14 श्लोकों में मैत्रेय ऋषि जो है उनके सारे सवालों का जवाब देंगे, और बताएंगे कि सबका समाधान एक ही है, वो है शुद्ध भक्ति करना। फिर 15 से 20 श्लोकों में जो है विदुर जी जो हैं अपने जिनको उनको जो साक्षात्कार हुआ है वो मैत्रेय जी के साथ चर्चा करेंगे, और 21 से 38 श्लोकों में विदुर जी वापस से और उनके जो प्रश्न उठ रहे हैं वो उनसे पूछेंगे मैत्रेय ऋषि से, और 39 to 42 आखिरी 3 श्लोकों में कि वो बतलाते हैं कि कैसे उनको मैत्रेय ऋषि पे विदुर जी को पूरी तरह से विश्वास। तो उसके बारे में ये पूरा 7वां अध्याय का संक्षेप में बताया गया है। तो भागवतम में जो है हम तकरीबन आधा घंटा आ चुके हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा हम ब्रेक लेते हैं, थोड़ा कृष्ण लीला की ओर जुड़ जाते हैं, और फिर जर्नी होम करते हुए हम वापस भागवतम में आते हैं, जिससे थोड़ा ब्रेक रहे। तो प्रभुपाद जी अपने कृष्ण बुक में लिखते हैं कि अगर कोई आम भक्त भी, ये कृष्ण बुक में से जैसे मैंने बताया आपको मुख्य मुख्य प्रभुपाद जी ने जो टीचिंग्स दिए हैं वो हम चर्चा कर रहे हैं, हम हमारे एक दूसरे के जो है आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। एक ऑर्डिनरी डिवोटी जो है, मतलब ऑर्डिनरी डिवोटी मतलब हम और आपकी बात चल रही है, तो वो बोलते हैं अगर वो भी भगवान का हमेशा चिंतन करते रहेंगे तो वो हर तरह के भौतिक मुसीबतों से दूर रहेंगे। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखिए, प्रभुपाद जी इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं। अभी मैं आपको स्पष्टीकरण कर रहा हूँ इस बात का कि प्रभुपाद जी हमारे लिए बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जी स्पष्ट बोल रहे हैं कि ये इट इज फॉर इवन ऑर्डिनरी डिवोटीज, मतलब आपके और मेरे लिए बोल रहे हैं कि हु सिंपली थिंक ऑफ यू आर ऑलवेज इम्यून टू ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल डेंजर। अर्थात हम जो भगवान का श्रवण कर रहे हैं भागवतम के द्वारा, हम जो सुबह उठ के नाम जप कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, आप जो भी भौतिक जो मुश्किल चीजें हैं, वो भौतिक मुश्किल परिस्थिति है या मटेरियल डेंजर है, जैसे भागवतम बताता है कि हर कदम पे
प्रॉब्लम हो सकता है इस भौतिक जगत में, तो उस सब से आप जो है बच सकते हो। कैसे? जब आप भगवान का चिंतन करो, भगवान का ध्यान करो। तो प्रभुपाद लिखते हैं उनके एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड्स में, दैट इवन ऑर्डिनरी डिवोटीज हु सिंपली थिंक ऑफ यू आर ऑलवेज इम्यून टू ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल डेंजर। तो अगर हम चाहते हैं हमारे लाइफ में मटेरियल डेंजर नहीं रहे, तो ये भागवतम का वाक्य है, ये प्रभुपाद जी ने जो है बताया गया, तो इसलिए सारे वाक्य सही हैं ये। तो हमें अपने जीवन में मटेरियल डेंजर से बचना है, तो एकमात्र उपाय है वो है भगवान का हरि कथा श्रवण करना, भगवान का नाम जप करना। जब तक हम भगवान से जुड़े रहेंगे तो ये सब मटेरियल डेंजर से हम बचे रहेंगे। तो जो है दो जगह पे एक ही बात वापस से स्पष्ट रूप से आया गया है, एक तो है कृष्णा बुक में और एक है भागवतम में। भागवतम में फर्स्ट कैंटो में, फर्स्ट चैप्टर में बताते हैं कि अगर आपने ध्यान पूर्वक जप नहीं भी किया तब भी आप जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाओगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यदा बिभ्यति स्वयं भयम, वो जो श्लोक आता है उसके वर्णन में प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर किसी ने ध्यान पूर्वक जप नहीं किया वो भी जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, अरे ठीक है अब से तो मैं स्पेस्ड आउट जपा करूंगा, क्यों, ये तो हरि नाम की इतनी शक्ति है, हरि नाम मेरा उद्धार कर देगा। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ क्यों ऐसा होता है कि कोई ध्यान पूर्वक नहीं भी जप करता है तो उसको इतना कल्याण क्यों मिलता है। जैसे अग्नि होता है, अब एक छोटा बच्चा जो है अग्नि में हाथ डाल देगा और ये बोलेगा कि मुझे मालूम नहीं था ये अग्नि है, ऐसा नहीं होगा, अग्नि उसको जलाएगा ही जलाएगा। क्यों? क्योंकि अग्नि ये नहीं देखता कि सामने वाले को मेरे बारे में ज्ञान है कि नहीं, अग्नि अपनी शक्ति हमेशा दिखाएगा। तो उसी प्रकार से हरिनाम भी वैसे ही है, हरिनाम तो अग्नि के स्तोत्र है, हाँ भगवान का, भगवान की एक शक्ति है अग्नि। तो अग्नि जो है अपनी शक्ति सबको दिखा सकता है भले उसको ज्ञान हो ना हो। तो उसी प्रकार से किसी को ज्ञान हो ना हो, कोई बहुत ध्यान पूर्वक जप करे ना करे, भगवान तो अपनी शक्ति पूरी तरह से दिखा देंगे अपने नाम के रूप में। तो इसलिए इसका इसका वर्णन किया गया है कि कोई ध्यान पूर्वक जप नहीं भी करता तो वो भी जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाए। अच्छा, अभी भक्तों को ये चाहिए कि वो ध्यान पूर्वक जप करें, क्योंकि अगर ध्यान पूर्वक जप नहीं करेंगे तो भगवान आपसे आदान प्रदान उसी हिसाब से करेंगे जैसे आप उनके साथ उनका नाम ले रहे हो, उनको जप कर रहे हो, उनको ध्यान कर रहे हो। अगर आप ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे हो, हाँ आप जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाओगे, लेकिन जन्म मृत्यु से बाहर निकल के प्रभुपाद के शब्द हैं, इज फ्रीड फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। हाँ जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल रहे हो लेकिन कहाँ जा रहे हो उसका वर्णन नहीं कर रहा। तो वो कहाँ लेके जाएंगे अगर आपने ध्यान पूर्वक जप नहीं किया है तो उसका गारंटी नहीं है। हाँ जिसने प्रामाणिक रूप से भक्ति की है, जो पूरी तरह से मेहनत कर रहा है, उसका गारंटी दिया जाता है वो सीधा गोलोक वृंदावन जा रहा है। तो हो सकता है वो कहाँ लेके जाएंगे जन्म मृत्यु से परे, वो कौन सी जगह है, तो वो उसका निर्णय करना मुश्किल है। और दूसरा, जब तक हम ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं हम भगवान के संपर्क में रहेंगे, तो उससे हमें भगवान का संग का असर मालूम चलेगा, हम भगवान के जो है सानिध्य में रहेंगे। तो जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं कि सुबह के 16 माला करने के बाद हम हमें थकावट लगनी चाहिए, मतलब हमें अपना काफी शारीरिक रूप से शक्ति देनी चाहिए जो है ध्यान पूर्वक भगवान का जप करने के लिए, मेहनत करने के लिए। जब हम ऐसा करेंगे तब जो है हमें भगवान की कृपा मिलेगी, मतलब हम थकने चाहिए 16 माला करने के बाद। अगर हम एकदम आराम से बिना मेहनत किए जप कर रहे हैं, और अधिकांश समय लोगों का क्या रहता है मन में, 16 माला खत्म होना चाहिए, तो भगवान भी देख रहे हैं इसके मन में मेरा नाम जप करने के पीछे उद्देश्य क्या है। वो ये नहीं चाहता कि मैं प्रसन्न हूँ, वो ये नहीं चाहता कि वो मेरे पे ध्यान कर सके, वो ये नहीं चाहता कि मैं उसका आत्म साक्षात्कार हो, उसका सिर्फ एक ही इच्छा है क्या खत्म हो जाए माला। तो भगवान तथास्तु बोलते हैं, भगवान आपको कृपा देते हैं आपका रोज माला खत्म होता रहे। तो हमारा जीवन का उद्देश्य वो नहीं है कि हम माला खत्म करें, हमारा जीवन का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करें, भक्ति में प्रगति करें, भगवान की कृपा प्राप्त करें, हाँ और भगवान को साक्षात्कार समझें। तो इसके लिए जो है हम जब नाम जप कर रहे हैं तो हमें ध्यान पूर्वक करना चाहिए। और यही चीज मैंने जो बताया, दूसरा जगह है कृष्णा बुक का जो पूतना की लीला है, वहां पे भी बताते हैं जहाँ पे अनकॉन्शियसली भी भगवान का जप होता है वहां पे जो है बड़े से बड़ी डेंजरस कैलेमिटी
या बड़ी से बड़ी मुसीबतें नहीं आ सकती। तो ये हम जो है हमारे लिए और हमारे परिवार वालों के लिए और हमारे साथ जो संबंधित जुड़े हुए हैं उन सबके लिए आश्रय है भगवान का हरि नाम और हरि कथा। तो अभी हम पे है कि हम उसको कितना जो है ध्यान पूर्वक लेते हैं और कैसे हम उसका आश्रय लेके अपना कल्याण कराते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर हम कृष्णा के डायरेक्टली जाते हैं तो हो सकता है हमें कृष्णा प्राप्त ना हो, लेकिन हम वही कृष्णा भगवान को उनके भक्तों के द्वारा उनके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं तो प्रभुपाद बताते हैं निश्चित रूप से हमें कामयाबी मिलेगी। तो ये चीज ध्यान रखना है हमें, हम सब जो है कृष्णा को प्रभुपाद के द्वारा जो है हम उनके पास जा रहे हैं, क्योंकि हम इस्कॉन में जुड़े हुए हैं जो प्रभुपाद जी का बनाया हुआ संस्था है। प्रभुपाद जी यहाँ तक ये भी बोले थे कृष्णा और इस्कॉन दोनों एक समान है, और प्रभुपाद बोले कि मैं और इस्कॉन भी एक समान है। तो हम प्रभुपाद के द्वारा कृष्णा के पास जा रहे हैं, इसलिए जो है हम हमें भी कामयाबी प्राप्त होगी, इसलिए हमें कभी भी इस्कॉन को नहीं छोड़ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बहुत बड़े सन्यासी जो है जिन्होंने पूरा जीवन तकरीबन तकरीबन प्रभुपाद के मिशन में दिया है, और उनके अंतिम समय में मैं उनसे मिल रहा था, उनसे बात कर रहे थे, तो बता रहे थे जीवन में कुछ भी हो जाए, उन्होंने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बोला, बोला जीवन में कुछ भी हो जाए इस्कॉन को मत छोड़ना, जीवन में कुछ भी हो जाए। तो ये हमें ध्यान समझना है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस्कॉन को दिया है, प्रभुपाद के टाइम से थे वो, थे कीर्तनानंद स्वामी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उनसे ऋषिकेश में जब मैं मिला था तो वो बता रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में पर हमें एक चीज नहीं छोड़ना है, वो है इस्कॉन को। इस्कॉन को हमेशा जीवन पर्यंत उसके साथ जुड़े रहना है, भक्तों के साथ जुड़े रहना है, भक्ति करते रहनी है। तो हम लोग ने सुबह का जप माला का मॉर्निंग में जो है वो प्रबंध किया है जिससे सब भक्त जुड़ सके और माला कर सके। तो अधिकांश समय जब लोग नहीं आते हैं जपा में तो एक तो स्पष्ट चीज हो जाता है कि हाँ सो रहे हैं, तो ना ही वो अच्छा है भक्तों के लिए, और दूसरा ऐसा होता है कि धीरे धीरे करते हुए जो है वो भक्ति से बाहर भी हो जाते हैं, उनका माला भी बंद हो जाता है। तो मैंने पहले कई बार दोहराया हुआ ये चीज कि कई भक्तों का ऐसा मुश्किल परिस्थिति आ सकती है, तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम करें और साथ साथ जितने भी हमारे मित्रगण हैं जो भक्तगण हैं जिनको हम अच्छे से जानते हैं उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिए कि वो करें। तो अगर वो आके कर रहे हैं तो अभी ये जो जूम के द्वारा हम कनेक्ट हो रहे हैं उसमें एक फायदा ये हो रहा है, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो उससे मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है घुमा नहीं सकता बोल ये बताते हुए कि हाँ मैं कर रहा हूँ कि नहीं जप कर रहा हूँ, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वो दिखता है हमें जप करते, और वो भी 6 से 8 का हमने टाइम रखा हुआ है, क्योंकि कई लोग तो सुबह 4 से 6 जप करते हैं। जैसे हमारे जो है ग्रुप में एक भक्त है जिनका नाम है गजेंद्र नाथ प्रभु, हाँ किसी कारणवश आज नहीं है वो हमारे कनेक्शन में, पर उनका एक शेड्यूल है जो 4 बजे जपा चालू करते हैं, 6 बजे तक जपा रोज करते हैं, और फिर 6 से 7:30 तक पूरा मंगल आरती गुरु पूजा वगैरह वगैरह आरती वारती ब्रह्म संहिता नरसिंह चतुर्दशी नरसिंह होम नरसिंह मंत्र और वगैरह वगैरह सब सारे जप करते हैं, ये करते हैं। तो ऐसे भी भक्तगण हैं, ठीक है वैसे आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कई भक्त होते हैं जो पहली जपा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ी देर हमारे साथ 15-20 मिनट भी जप कर सकते हैं वो अच्छा रहेगा। तो ये अगर आप लोग मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं इतने सालों का अनुभव से बता रहा हूँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ के ध्यान पूर्वक जपा नहीं करोगे तो मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ समय की बात है, या तो आप लोग बहुत ही मुश्किल से अपना दिन भर में जपा करोगे या तो अच्छे खासे चांसेस हैं आपका जपा छूटेगा भी, आज नहीं होगा फिर आज का कल करोगे, फिर वो नंबर बचा के रखोगे ये वो। तो वो सब अगर आपको कराना है तो अभी से आप सिस्टम बना के रखिए, रोज इतने समय में मैं उठूंगा और जपा पहले कर लूंगा। तो फिर बताते हैं प्रभुपाद कि अगर आपको कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना है दो चीजें हैं, एक है वो है नम्रता और दूसरी है सेवा भाव। तो ये बहुत जरूरी चीज है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर भगवान को हमें प्रसन्न करना है भगवान को प्रसन्न करने के यही दो तरीके हैं, नम्रता और सेवा भाव। अगर ये दो चीजों से हम कर रहे हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। तो बोलते हैं जितना हम ज्यादा गुरु के निर्देशन में
हम सेवा करेंगे तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में जो है कैसे प्रगति करना है और हम कैसे भगवान को पहुंच सकते हैं। उसका विधि ये है कि जैसे गुरु हमें निर्देशन दे रहे हैं, गुरु के निर्देशन पे हम मेहनत करेंगे, उनके जो जो सेवा दे रहे हैं उस सेवा में हम नियुक्त रहेंगे, हम करेंगे तो हम भगवान को जो है हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति भी कर पाएंगे और भगवान के हम जो है निकट भी पहुंच पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने, जैसे मैंने कई बार इन प्रवचनों में बताया है, कम से कम 16 माला, 4 नियम और दास अनुदास बन के जितना होता है सेवा करते हैं। और आप देखिए, अगर कोई भी भक्त प्रमाणिक रूप से 16 माला दिल लगा के कर रहा है, 4 नियम पालन कर रहा है और जितना हो सकता है सेवा करने की कोशिश करेंगे, तो आप खुद ही देखेंगे कैसे भगवान एक के पीछे एक आपको मार्गदर्शन करेंगे। हमने पढ़ा है प्रभुपाद के तात्पर्य में, भागवत में प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान स्वयं हमें मार्गदर्शन करेंगे कब कहाँ कैसे सेवा करना है। जब हमने शुरुआत किया था ये हमारे भागवतम का, तो हमने सोचा नहीं था कि ये ऐसा मोड़ लेगा जिसमें हम जो है भविष्य में रोज ही भागवतम कर पाए। हमने शुरुआत इसलिए किया था क्योंकि लॉकडाउन में है, कोई सेवा नहीं है, सब लोग घर में बैठे हैं, तो कम से कम कुछ समय हम कृष्ण के संग में आ जाएं करके हमने रोज अपनी तरफ से कोशिश करते हुए भागवतम चर्चा करने का विचार किया। लेकिन उसको करते 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 हम लोग को ऐसा मार्गदर्शन भगवान ने दिया जिससे हम लोग सुबह को जपा शुरुआत कर दिए, और ऐसा लग रहा है कि अगर कृष्ण की कृपा बनी रही तो हम ये भागवतम नित्य रूप से कर सकते हैं। जैसे भागवतम में भी लिखा है नित्यम भागवत सेवा। अभी मेरी तो इच्छा है कि हाँ नित्यम भागवतम हमें करना चाहिए, और जिन भक्तों की इच्छा है कि उन्हें भी भागवतम सुनना है तो हमसे जुड़ सकते हैं। और इसका जैसे बताया गया है, भागवतम सुनने का फलश्रुति ये है कि हमको शुद्ध भक्ति मिलेगी और हम जो है भगवत धाम प्रवेश कर पाएंगे। तो अभी हर एक चीज का दाम होता है, हर एक चीज का प्राइस होता है। बंबई में आपको मालूम है कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है। तो अगर आपको भगवत धाम जाना है तो उसके लिए आपको आजीवन काल के लिए, जो आज समझ लीजिए 27 जून है 2020, उससे लेके हमारे आखिरी जीवन तक, आखिरी दिन तक हमें रोज कोशिश करना है भक्ति करने का। और एक विधि है जिसके कारण हम कर सकते हैं, रोज सुबह जपा कर सकते हैं, भागवतम कर सकते, सुन सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो जो उसमें जुड़ेगा उसको पूरी तरह से कृपा मिलेगा, और ये हमारा वाक्य नहीं है, ये भागवतम बता रहा है। तो अभी हमारा प्रश्न ये है कि आपको भागवतम पे विश्वास रखना है या किसी और चीज पे। किसी और चीज पर विश्वास रखने का कुछ मतलब ही नहीं है, किसी को ज्ञान ही नहीं है मृत्यु के पश्चात का क्या होता है। भागवतम स्वयं व्यासदेव जी ने लिखा है, जो है व्यासदेव जी सुखदेव गोस्वामी ने उसका चर्चा किया है, उसको बोला गया है। तो और सारे के सारे आचार्य गण इसको प्रमाणिक मानते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रमाणिक माना है, जो स्वयं कृष्ण भगवान है। और हम देख रहे हैं कितने जो भक्त लोग सार्थक अपना जीवन कर चुके हैं। अभी हमें चाहिए कि हम भी इसको पालन करें और जीवन सार्थक करें। और यहाँ बता रहे हैं तो बात की, जितना हम गुरु पर आदेशों को पालन करेंगे तो हम उसके आदेशों को पालन करते करते हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करते हैं, भगवान के निकट जाएंगे। तो मैंने बताया आपको, कुछ भी चीज आप लेने जाते हैं तो उसके लिए दाम चुकाना पड़ता है, प्राइस देना पड़ता है। तो प्राइस ये है भगवत धाम जाने का, आपको रोज सिंसियरली जप करना है, भागवतम सुनना है और जितना हो सके प्रभुपाद के मिशन में सेवा करना है। तो जो इतना करेंगे तो उसको विशेष रूप से कृपा मिलेगी। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि हम भगवान से जोर जबरदस्ती करके ये नहीं बोल सकते कि भगवान आप हमें कृपा दें। तो भगवान हम अगर हम हमारी सेवा नहीं स्वीकार करना चाहते तो उनकी इच्छा पे, पर प्रभुपाद बताते हैं हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भगवान को संतुष्ट करना है तो सिर्फ उसका एकमात्र उपाय है, वो है भक्ति, वो है भगवान की सेवा। सेवा के मात्र नम्रता से जब हम सेवा करेंगे तो ही भगवान प्रसन्न होंगे, हमारे पास दूसरा उपाय कुछ नहीं है। वो अलग बात है कि भगवान हमारी सेवा स्वीकार नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे वो, लेकिन हम जो है इसको छोड़ के और कहीं कुछ नहीं कर सकते। जीवन पर्यंत नम्रता से हमको भगवान की सेवा ही करनी है। तो ये बताते हैं, उसके बाद आगे प्रभुपाद अपने कृष्णा किताब में बताते हैं कि डाइवोर्स शब्द जो है, डाइवोर्स का जो कंसेप्ट है वो वैदिक शास्त्रों में नहीं है। तो वैदिक शास्त्रों में पति और पत्नी जो है कभी अलग नहीं होते हैं,
ऐसे वर्णन आता है। तो ये वैदिक है, लेकिन अभी कलयुग जैसे जैसे प्रभाव होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो उसके कारण पति पत्नी जो है सबसे ज्यादा डाइवोर्स होते जा रहा है, और विदेश में तो लोग विवाह भी नहीं करते, बिना विवाह के साथ में रहते हैं। तो ये सब जो है कलयुग का प्रभाव है, और दिखने में बहुत आकर्षित लगेगा, ऐसा लगेगा लोग बहुत आनंद कर रहे हैं, बहुत भोग एंजॉय कर रहे हैं, पर वास्तविक रूप में ये बहुत ही विनाशकारी चीज है, और जो शास्त्रों के जितना विरुद्ध जाएगा उतना उनका नुकसान होगा। तो इसके साथ साथ तो अभी हम इस पे विराम देंगे, और कल कृष्ण बुक में से हम वापस से कंटिन्यू करेंगे। तो राधानाथ महाराज जो हैं, हम लोग ने चर्चा किया और देखा कि कैसे अभी तक महाराज 14 साल के हैं, और उनको हमेशा भगवान के बारे में संगीत सुनना और वो सब सुनना बहुत अच्छा लग रहा था, और वो कुश्ती सीखना चाहते थे और कुश्ती सीख रहे थे, और बताया जाता है कि कैसे उनके बारे में बता रहे थे कि महाराज खुद बोलते हैं कि मैं इंटेंस एब्जॉर्प्शन से चीजों में घुस जाता था। तो वो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि हम जो भी कार्य करें वो इंटेंस एब्जॉर्प्शन से करें, जिससे हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर सकें। फिर महाराज बताते हैं कि कैसे उनका कंधा डिसलोकेट हो गया, और उनको कुश्ती करनी नहीं थी, रेसलिंग नहीं करना था, तो मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगे कि अच्छा हुआ ये हो गया और मैं इस रेसलिंग से छूट गया। तो प्रभुपाद लिखते हैं, महाराज लिखते हैं कि आई फेल्ट बाय द पावर ऑफ डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब हमारा जो है भविष्य, वो बहुत शक्तिशाली है, या काल का प्रभाव, समय का प्रभाव। अगर हम भक्ति प्रामाणिक रूप से करें तो भक्ति की शक्ति इतनी है कि वो हमारे लिए बहुत मार्गदर्शन करेंगे, हमें बहुत आगे मदद करेंगे। तो प्रभुपाल जी महाराज लिख रहे हैं कि दिस इज द पावर ऑफ डेस्टिनी। तो ये इसकी शक्ति से जो है मैं इस चीज से छूट गया। फिर बताते हैं कि वो और उनके जो मित्र हैं गैरी, तो उनके गैरी बहुत अच्छे मित्र बने हैं, वो पूरा उनके साथ जो है भगवान की खोज में निकल जाते हैं, वो सब हम आगे चर्चा करेंगे। पर गैरी भी उनके साथ के थे, साथ में उन्होंने स्कूल में पढ़ाई किया, और उनकी दोस्ती उनको जो है हमेशा बहुत अच्छी लगती थी, और बताया जाता है उनका और इनका स्वभाव एक जैसा था। और दोनों जो है सबसे पहले कैलिफोर्निया गए थे, उनकी जो है पिछले बार स्कूल की जब छुट्टियां हुई थी, तो यहाँ से शुरुआत हो जाता है कैसे महाराज भविष्य में ये जो है खोज में निकलेंगे भगवान का। और जो है पहले एक बार वो कर चुके हैं, कैलिफोर्निया गए हैं, ऐसे लिखते हैं। फिर 1969 में बताया जाता है मियामी डडे कॉलेज इन फ्लोरिडा, वहां पे उन्होंने पढ़ाई चालू किया था। तो बोलते हैं कि बाकी सब चल रहा था, मेरी पढ़ाई चल रही थी, लेकिन मेरे मन ही मन में आध्यात्मिक को जानने का, बताया जाता है वो अग्नि जो है पूरी तरह से प्रज्वलित हो रही थी, और वो अग्नि जो है रोज जो है और बढ़ती जा रही थी। तो ये सब देखिए, मैंने खुद ने ये 2 बार किताब पढ़ चुका हूँ, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। कितने ब्रह्मचारी हैं जो अपने प्राइवेट समय में अकेले में बैठ के जर्नी होम पढ़ते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि हम भी भक्ति कर रहे हैं, तो हमें इन किताब से बहुत प्रेरणा मिल रही है। महाराज ने अपने लिए लिखा है, पर एक साधका इससे बहुत सब चीजें सीख सकता है, और उसको एक साधका को देखना चाहिए कि कैसे एक विदेशी लड़के ने भगवान की खोज में निकला वो, और उसने मेहनत की, और मेहनत करते हुए उसने पूरी तरह साक्षात्कार प्राप्त की। तो क्या चीजें थी जिसके कारण उसने साक्षात्कार प्राप्त की, जो हम जैसे साधक भी अपने जीवन में अपना सकें। तो उसमें एक चीज प्रभुपाद बोलते महाराज बोल रहे हैं कि ये जो मेरे अग्नि थी आध्यात्मिक चीज को जानने की, वो बताया जाते हैं वो अग्नि रोज बढ़ते जा रही थी, रोज बढ़ते जा रही थी। तो इसका वर्णन करते हैं कि कैसे जो है, कैसे जो है कि ये अग्नि बढ़ते जा रही है, उसी प्रकार से, 1 मिनट जरा आप लोग होल्ड करेंगे, 1 मिनट। तो ये चीज हम लोग को समझना है कि महाराज कैसे बता रहे हैं कि उनके हृदय में जो है ऐसा जो है अग्नि के समान आध्यात्मिक
जो है उनको जानने की इच्छा थी, और वो इट ग्रू इट डेली, मतलब रोज बढ़ते जा रहा था, रोज बढ़ते जा रहा था। मतलब हमारे जीवन में भी हमें हृदय के अंदर जो हमें भक्ति करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना है, वो रोज अग्नि के समान बढ़ते जाना चाहिए। और रोज जैसे अग्नि को बढ़ाने के लिए ईंधन देना पड़ता है, तो उसी प्रकार से हमें जो है हमारी भक्ति को ईंधन देना है हरि नाम का, हरि कथा का, और नम्रता से सेवा करने का। तो जब हम ये करेंगे तो ईंधन से हमारी अभी अग्नि बढ़ती रहेगी, और रोज हमारा मन में जो है भगवान को जानने का और भक्ति करने की प्रेरणा और अत्यंत रहते थे, ओम शब्द का नाम जप करते थे और ध्यान करते थे। और फिर बोलते हैं कि उनके कॉलेज में जो है एक ट्रांसलेटल मेडिटेशन अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए कोई व्यक्ति आए थे, और वो जो है महर्षि मुनि महेश योगी के शिष्य थे। तो उनको जो है वो भी काफी आकर्षित लगा, क्योंकि जो भगवान की खोज में थे या आध्यात्मिक की खोज में थे, उनको कुछ भी आध्यात्म मिलता था वो तुरंत पकड़ लेते थे। और फिर बोलते हैं कि डेली मेडिटेशन बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। महाराज बोलते हैं कि मेरे रोज के जीवन में, अभी महाराज जो है बिल्कुल भगवान के बारे में जानते नहीं है ज्यादा, सिर्फ उनमें और बोलते हैं उत्सुकता है जानने की, लेकिन अब से ही उन्होंने सोच लिया कि रोज मेरे जीवन में एक चीज जरूरी रहेगा, वो है भगवान का ध्यान करना। और बोलते हैं कि द स्पीड ऑफ माई स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन वॉज स्प्राउटिंग रैपिडली, अर्थात मेरी जो आध्यात्म की तरफ आकर्षण था वो बहुत तेज गति से बढ़ रही थी। तो महाराज बोलते हैं कि कई लोग जो होते हैं इस दुनिया में वो हमारे से द्वेष करते हैं, तो जो हमसे द्वेष करते हैं, हमसे नफरत करते हैं, महाराज लिखते हैं कि अगर हम भी उनसे द्वेष करें तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। तो महाराज भी बोलते हैं कि हम में भी वही तो बीमारी है जो उनमें है। अगर कोई मेरे से द्वेष कर रहा है, कोई मेरे से नफरत कर रहा है, और मैं भी उससे नफरत कर रहा हूं, मतलब उसमें जो बीमारी है वही मेरे में भी बीमारी है। तो हम में दोनों में जो है वो बीमारी नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होगा? जब हम जो हमारे प्रति जो है ऐसा द्वेष करते हैं या नफरत करते हैं, हम उनसे द्वेष ना करें, हम उनसे नफरत ना करें। बहुत मुश्किल है बोलना, पर हमें ये चीज समझना चाहिए, ये सिद्धांत है। और हमें अपना मन जो है दूसरों के प्रति ऐसे विकार रूप से नहीं सोचना चाहिए। हमें अपना मन जितना हो सके भगवान में ही लगा के रखना चाहिए। फिर बताया जाता है जेम्स हॉर्मोन करके एक व्यक्ति थे, जो बड़े एक सिंगर थे, उन्होंने पहली बार महाराज को हाथ में हारमोनिका दिया। और हारमोनिका मतलब जो हाथ में छोटा सा बजाते हैं, और वो महाराज बजाते थे। जो है उन्होंने सिखाया भी राधानाथ महाराज को। तो महाराज बोले मुझे गाना नहीं आता, लेकिन फिर जो है महाराज बोलते हैं कि ये जो हारमोनिका था, आई होप मैं आप लोग सब समझ रहे हैं, छोटा सा जो हाथ में पकड़ के बजाते हैं ना, पू 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 हारमोनिका, तो वो बोलते हैं मेरे जीवन का एक मुख्य अंग बन गया। और फिर बताते हैं आगे जब हम लोग पढ़ेंगे कि उस समय से 15 साल से जो है वो हमेशा हारमोनिका रोज बजाते थे तकरीबन, और उनकी इतनी अच्छी आसक्ति थी, लेकिन उनको लगा कि जब भगवान को जानना चाहते हैं और पूरा खोज करते वो गंगा में आए, तो गंगा में उन्होंने अपने जो है कपड़े छोड़ दिए, विदेशी कपड़े, क्योंकि वहां के एक साधु ने बोला था कि आप यहाँ पर आए हो भगवान की खोज में, भगवान का ध्यान करने के लिए, तो पैंट और शर्ट आपको अच्छे नहीं लगते। तो उनको जो है दो कपड़े दिए, एक लुंगी के समान या जिसे धोती आप बोल सकते हैं, और एक ऊपर की उत्तरी या शॉल, और बोला अभी आप ये दोनों कपड़े हमेश के लिए जो है गंगा में प्रभावित कर दीजिए, आपके विदेशी कपड़े जो पैंट या जीन्स पहना था और शर्ट पहना था, टी शर्ट पहना था, कि आपके लिए जो साधु के लिए ये कपड़े जो है अच्छे नहीं है। तो महाराज जी बताते हैं कि उसके साथ साथ जो है उनकी सबसे बड़ी आसक्ति थी हारमोनिका से, तो उन्होंने वो हारमोनिका भी जो है गंगा में दे दिया। तो अभी मैं आपको कुछ 1-2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो क्या है भागवत के साथ साथ थोड़ा और भी आपको मालूम चलना चाहिए इस्कॉन वर्ल्ड में क्या होता है। तो
महाराज एक प्रोग्राम में थे और वहां के प्रोग्राम के होस्ट ने जो है एकदम से बोल दिया कि प्रभुपाद जी ने सिखाया है, आप हर एक चीज को जो है भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हो। और ऐसा बोल के महाराज के हाथ में हारमोनिका दे दिया और बोला कि आप हारमोनिका बजाइए। तो महाराज अभी क्या बोले कि मतलब महाराज ने ऐसा कसम नहीं खाया था कि मैं बजाऊंगा नहीं कभी। तो महाराज के हाथ में मिला और उन्होंने ऐसा तरह से बोला कि प्रभुपाद ने सिखाया है। देखिए कई लोग इतने तेज होते हैं, इतने चतुर होते हैं कि महाराज जैसे इतने महान भक्तों को भी ऐसे बातों के जाल में कर देते हैं कई बार। तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद ने सिखाया है, हर एक चीज भगवान की सेवा में उपयोग हो सकता है, तो मैं उनको हारमोनिका दे रहा हूँ। ये हारमोनिका भी वो जो है भगवान की सेवा में लगाएंगे और हमको थोड़ा सुनाएंगे करके। तो अगर महाराज अगर नहीं बजाएं तो इसका मतलब प्रभुपाद का जो स्टेटमेंट है उसको गलत हो जाएगा, और अगर बजाएं तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ बजाने के बाद। तो बताया जाता है कि बेसिकली प्रभुपाद बोलते हैं यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, हम लोग ने सुना हुआ है कई बार, बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द एसेंस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल एंड प्योरिटी इज द फोर्स। तो यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल मतलब जो चीज है वो सब आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, प्रभुपाद का ही शिक्षण है। तो ऐसा बोल के हारमोनिका दे दिया महाराज के हाथ में। तो महाराज अभी प्रभुपाद की बात को गलत भी नहीं बोल सकते हैं, अगर नहीं बजाएं तो फिर गलत हो जाएगा कि प्रभुपाद ने बोला हर चीज को आप सेवा में लगा सकते हो। तो प्रभुपाद की बात को मानते हुए महाराज ने बजाया वो। लेकिन महाराज को मालूम था थोड़ा तो नहीं, सही नहीं है ये बजाना मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इतना बड़ा गुरु हूँ, सन्यासी हूँ। और महाराज ने बजाया, हार्डली 5 मिनट बजाया होगा और सब लोग खुश हो गए और ये हो गया। महाराज जैसे ही उस प्रोग्राम से बाहर निकले तुरंत उनके गुरु भाई का फोन आ गया महाराज के मोबाइल पर, और वो गुरु भाई उनको ऐसे चिल्लाने लगे, बोले तुम सन्यासी हो, तुम में अक्ल है कि नहीं, तुम ये हारमोनिका बजा रहे हो, ये वो करके उनको खूब सुनाया। तो देखिए आजकल ये फास्ट टेक्नोलॉजी का फायदे भी है नुकसान भी है। महाराज ने बजाया के वो लेक्चर से बाहर निकलते ही फोन आ गया उनके सीनियर गॉड ब्रदर का और उन्होंने उनको सुना दिया कि तुम कैसे बजा सकते हो, तुम सन्यासी हो, सन्यासी थोड़ी हो ये हारमोनिका बजाता है। और फिर यही सज्जन जो है दूसरे प्रोग्राम में वापस से महाराज को वही बोले। देखिए कई लोग कितने जो है कैसा उनका बुद्धि चलता है ना? राधानाथ महाराज जैसे व्यक्ति को पकड़ पकड़ के घुमाने की कोशिश करें, फिर से पकड़ा और फिर से वही चीज बोल रहे हैं, प्रभुपाद ने सिखाया है कि हर एक चीज भगवान की सेवा में लग सकता है, इसलिए आप फिर से हारमोनिका बजाइए। तो पिछली बार का राधानाथ महाराज को उनके गुरु भाइयों ने काफी सुना दिया था, तो उसके बाद से महाराज ने सीख ले लिया। तो महाराज बोले प्रभुपाद ने बोला है कि हर एक चीज भगवान की सेवा में उपयोग हो सकता है, लेकिन सन्यासियों के लिए कई चीजें वर्जित हैं, जिसमें से एक है हारमोनिका। ऐसा नहीं कि हर सन्यासी वो हारमोनिका बजाते बजाते घूमता रहे, नहीं। तो इसलिए महाराज बोले मैं नहीं बजाऊंगा और फिर बजाना बंद किया। तो कहने का मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कई बार किसी किसी परिस्थिति होती है, जैसे हमारे एकलव्य प्रभु हैं, जो लोग एकलव्य प्रभु को जानते हैं, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, एकलव्य प्रभु बहुत कीर्तन करते हैं, ये करते हैं, और उनका सबसे फेवरेट है ट्रम्पेट। ट्रम्पेट मतलब पा 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 पा, वो जो बजाते हैं ट्रम्पेट, अभी इसका हिंदी शब्द नहीं मालूम मुझे, पर जो भी है ट्रम्पेट बजाते हैं। तो जैसे उनका संन्यास लिस्ट में नाम आया तो संन्यास लिस्ट का संन्यास मिनिस्ट्री ने सबसे पहले पकड़ लिया उनको और बोला ट्रम्पेट बंद करो भैया। तो 4-5 साल से आप देखेंगे वो संन्यास लिस्ट में ही है, अभी तक संन्यास मिला नहीं है एकलव्य प्रभु को। तो मेरे खास अच्छे मित्र हैं, तो वो एकलव्य को उनको उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल के रखा है हाथ लगाना ही नहीं है अगर तुमको संन्यास चाहिए। तो संन्यासी मतलब ऐसे नहीं ट्रम्पेट ट्रम्पेट बजाएगा, ये करेगा वो करेगा, नहीं। जो भक्त है मतलब विशेष रूप से ऐसा सन्यासी और ऐसे स्तर पे, तो उनको प्रामाणिक रूप से अपना चरित्र बिल्कुल सीधा रखना है, अर्थात अच्छे से भक्ति करना है, अच्छे से प्रेरणा देना है, और ये सब चीजों में ज्यादा समय नहीं देना और लोगों को ऐसे चीजों में प्रोत्साहन नहीं देना। तो इसका हारमोनिका का आया, तो कल हम और आगे चर्चा करेंगे इसके ऊपर कि कैसे महाराज का आगे आध्यात्मिक जीवन कैसे चला। तो अभी हम वापस हमारे श्रीमद् भागवतम में आ जाते हैं, 7वें अध्याय में है, 3रे स्कंध में। तो पहले जो है श्लोक में आता है कि विदुर जी ने जो है बहुत नम्रता से उनको प्रसन्न करने हुए
मैत्रेय जी को सब प्रश्न पूछना चालू किया। दूसरे श्लोक में आता है, अभी दूसरे तीसरे चौथे ये तीन श्लोकों में ईश्वर के बारे में पूछ रहे हैं, अर्थात भगवान के बारे में पूछ रहे हैं, और पांचवें और छठे श्लोक में जीव के बारे में पूछ रहे हैं। तो मैंने बताया ये पहले 7 श्लोकों की श्रृंखला में 2 प्रश्न है, एक है ईश्वर के बारे में और एक है जीव के बारे में। तो दूसरे श्लोक में पूछते हैं कि भगवान आध्यात्मिक हैं तो वो इस भौतिक गुणों से कैसे जुड़ते हैं, तो ये उनका पहला प्रश्न है। हाँ, और फिर बताया जाता है कि भगवान जो कभी बदलते नहीं हैं, तो वो ऐसे कार्य कैसे करते हैं जिससे ऐसा व्यतीत होता है कि वो बदल रहे हैं या उनमें कोई बदलाव आ रहा है। तो ये 2 प्रश्न हैं उसके, और उसके जो है जवाब अभी मैत्रेय मुनि देंगे। तो बोलते हैं जैसे तीसरे और चौथे श्लोक में बोलते हैं कि कैसे बच्चे जो हैं वो कार्य करते हैं क्योंकि उनकी इच्छा होती है, लेकिन भगवान जो हैं वो हमेशा संपूर्ण रूप से जो है अपने में संतुष्ट रहते हैं। लेकिन फिर भी जो है वो क्यों, फिर अगर भगवान अपने में संतुष्ट हैं तो वो क्यों ये सृष्टि बनाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं और उसको जो है विनाश करते हैं। तो इसका ये प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान के बारे में। तो ये जो है 2, 3 और 4 श्लोक में वर्णन किया है। तो रूपा लिखते हैं भगवान का एक नाम है चिन्ह मात्र, ये दूसरे श्लोक में परपट में। चिन्ह मात्र मतलब भगवान पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, मतलब उनमें कोई भी भौतिक गुण नहीं है। जैसे हमारा पूरा शरीर भी भौतिक रूप से बना हुआ है, मांस है, हड्डी है, खून है, लेकिन भगवान का पूरा शरीर भी आध्यात्मिक है, वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल है। तो बताया जाता है, तो भगवान का एक नाम निर्गुण बताया गया है, अर्थात कोई भौतिक गुण नहीं, भगवान में पूरी आध्यात्मिक गुण है। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि अभी जब ईश्वर और जीव के बारे में चर्चा आ रही है, तो बोलते हैं जो जेल में रहता है, जो कैदी है, उसके लिए जो नियम लागू होते हैं वही नियम राजा के लिए लागू नहीं होते। भले ही राजा कभी कभी जो है ऐसे जेल में आए, तो राजा जेल में आया इसका मतलब ये नहीं कि राजा भी कैदी हो गया। नहीं, राजा कैदी नहीं है, राजा आता है सिर्फ जो है जितने भी कैदी हैं उनके उद्धार के लिए, और देखता है किसी ने बहुत अच्छे से कार्य किया है तो उसी वक्त बोलता है जो है अंदर के जेल के सुपरिटेंडेंट को कि इनको रिहा कर दीजिए, इनको रिहा कर दीजिए। तो कोई मूर्ख व्यक्ति जब देखेगा राजा को अंदर आते हुए जेल में, बोलेगा हाँ नया कैदी आया? नहीं, ये कैदी नहीं है, ये राजा है। तो बोलते हैं उसी प्रकार से भगवान जब इस जगत में आते हैं तो इस प्रकृति के नियम भगवान पे लागू नहीं होते, और यहाँ तक कि वो आते हैं जैसे राजा आता है कैदियों को रिहा करने के लिए, वैसे भगवान भी आते हैं एकमात्र उद्देश्य से जो है सब जीवों का उद्धार करने के लिए। तो फिर बोलते हैं कि भगवान की कैसे ये प्रकृति कैसे चलता है भगवान का, तो उसके बारे में वर्णन करते हुए बताते हैं कि देखिए एक रूपा जी एक उदाहरण देखते हैं, इस उदाहरण से हमको अच्छे समझ में आ सकता है ये चीज कि जब अग्नि होती है भौतिक जगत में तो हम देखते हैं कहीं भी अग्नि उज्ज्वलित हो रही है, भले वो गैस में हो रहा हो या कहीं पे आग लगी हो, तो या बॉन फायर जब लगाते हैं तो अग्नि देखते हैं। तो अग्नि का अपने आप 2 फलस्वरूप होता है, एक होता है प्रकाश और एक होता है गर्मी। तो हम लोग जब अग्नि के आसपास बैठते हैं या खड़े रहते हैं तो हमें 2 चीज अपने आप मिलता है, वो है प्रकाश और गर्मी। तो बोलते हैं ये है भगवान, ये उदाहरण देते हुए बोलते हैं ये है भगवान। जब भगवान है मतलब उनकी शक्तियां ऐसी रहती है जिस अपनी शक्तियों के द्वारा वो पूरा भौतिक जगत का निर्माण कर लेते हैं और भौतिक जगत को चला लेते हैं। ये भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि भगवान अपने में इतने शक्तिशाली हैं कि उनकी शक्तियों के द्वारा हो सकता है। जैसे एक भौतिक चीज में अग्नि का उदाहरण दे रहे हैं कि अग्नि से कैसे जो है गर्मी और जो है प्रकाश निकलता है। 1 मिनट। तो कैसे अग्नि से प्रकाश और ये निकलता है गर्मी, तो उसी प्रकार से भगवान की शक्तियों के द्वारा ये जो है पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। तो इसी चीज को स्पष्ट करने के लिए 9वें अध्याय का 4वां श्लोक प्रभुपाद जी तीसरे में बोल रहे हैं, मयातमिदं सर्वं जगद्व्यक्ता मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषां तेष्वावस्थिता। मयातमिदं सर्वं, कि मेरी शक्तियों के द्वारा पूरा ये जो है भौतिक जगत का कार्य चलता रहता है।
फिर प्रभुपाद जी जो है चौथे श्लोक में बताते हैं कि ये सृष्टि का क्यों निर्माण किया गया है, उसका एकमात्र उद्देश्य बताते हैं कि हमें भगवान ने स्वतंत्रता दी है, जब हमने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया तो इस दुरुपयोग के लिए भगवान ने ये जो है पूरी सृष्टि बनाई है जिसमें हम लोग भोग कर सके। तो भगवान जो है हमसे प्रेम करते हैं, भगवान चाहते हैं हम भगवत धाम में जाएं, लेकिन हमारी इच्छा क्या है, भगवान से अलग रह के भोग करने की। तो इसलिए हमारा जो गॉड गिफ्टेड माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, ये चौथे श्लोक के अंत के तात्पर्य में आ रहा है। प्रभुपाद लिख रहे हैं क्यों हमने उसका दुरुपयोग किया है, उस दुरुपयोग के कारण हम यहाँ पे हैं। अभी भी हम अपने जीवन में सुधार नहीं लाएंगे तो हम तैयारी कर रहे हैं फिर से पुनर्जन्म के लिए। अभी वो हम पे है कि हमको पुनर्जन्म चाहिए कि नहीं, अगर नहीं चाहिए तो हम सबको अपना स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा। फिर अभी पांचवें श्लोक में आता है कि अभी जीव के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो शुद्ध आत्मा है वो कैसे इस भौतिक जगत में प्रवेश करता है, और बताया जाता है कि कैसे जो शुद्ध आत्मा है उनके साथ हमेशा परमात्मा जुड़े हुए हैं। परमात्मा को होते हुए, मतलब हम सबके हृदय में परमात्मा है, फिर भी जीव इतनी तरह के दुख और तकलीफ क्यों भोग रहा है। तो ये दो प्रश्न है, और उसके लिए वो बोलते हैं कि मेरा मन जो है विचलित हो रहा है इन सब प्रश्नों से, और मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, विदुर जी मैत्रेय ऋषि को बोल रहे हैं आप कृपया करके हमें समझाइए, मुझे बताइए। तो प्रभुपाद बताते हैं ये पांचवें श्लोक के तात्पर्य में है कि जो जीव होता है वो अविद्या, जो भगवान की एक शक्ति है, उससे प्रभावित हो जाता है। ये विष्णु पुराण में बताया गया है और गीता में भी बताया गया है कि जो जीव है उसको परा प्रकृति बताया गया है और विष्णु पुराण में जीव को पराशक्ति बताया गया। अर्थात ये सब बताने का मतलब ये है कि हम जो है माया के प्रभाव में आ सकते हैं, और माया के प्रभाव में हम क्यों आए हैं तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। कृष्णा भूलिया जी भोग वांचा करे, निकटिया माया तारे झापटिया धर। कृष्णा भूलिया जी, जो जीव है वो कृष्णा को भूल गया है। जैसे हमने पढ़ा, द्रौपदी बताते हैं कि हमारे पास इंडिपेंडेंस है, मानवीय स्वतंत्रता है हमारे पास, लेकिन हम जब उसका दुरुपयोग करते हैं, कृष्णा भूलिया जीव, और क्या करते हैं, भोग वांचा करे, तो हम भोग करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें इस जगत में भेजा गया है। और तब क्या होता है, निकट या माया तारे झापटी अदर, तो जो माया है वो निकट में ही है, जैसी देखती है कि ये जीव भगवान को भूल के भोग करना चाहता है तो तुरंत से उसको जो है अपने आवरण शक्ति से उसको घेर लेती है। फिर हम भगवान को याद नहीं कर पाते, हमें समझता नहीं है जीवन का लक्ष्य क्या है, हम भोग विलास में ही अपना पूरा का पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। तो भगवान का एक नाम है भूत भृत, अर्थात भगवान जो है हम सारे जीवों का जो है ध्यान रखते हैं, वो हम हमें सब चीज जो है हमारे लिए प्रबंध करते हैं। तो ये अभी 8 से 14 श्लोक में वर्णन आता है, मैत्रेया जो है उनको सारे प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं, और प्रश्नों के जवाब देते हुए उनको सार ये बताएंगे कि हमें क्या करना है, वो है भक्ति। तो भक्ति ही सार है, मतलब अभी ईश्वर क्या है, जीव क्या है, ये 8 से 14 श्लोकों में है, और 14वें श्लोक में, और मतलब 12, 13, 14 इन 3 श्लोकों में विशेष रूप से भक्ति का वर्णन करते हुए बताएंगे। तो अभी 8वां श्लोक है, तो मैत्रेय जी जवाब दे रहे हैं कि क्योंकि वो हमेशा भगवान का चिंतन करते थे, भगवत चितः। तो ये 8वां श्लोक हम लोग साथ में चर्चा कर सकते हैं। श्री शुक उवाच, सैतम चोदित क्षत्र तत्व जिज्ञा सुना मुनि प्रत्याय भागवता चित्ता सम्यम इव कथास्मय। तो भागवता चित्ता मतलब गॉड कॉन्शियस, मैत्रेय ऋषि का क्या गुण था, वो हमेशा भगवान का स्मरण करते थे, तो वो जो है विदुर जी को जवाब देने लगे। और किसके बारे में, तत्व जिज्ञा सुना, तत्व जिज्ञा सुना मतलब जो है आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताने लगे। तो ये 8वें श्लोक में बताते हैं, तो बताते हैं कि कोई भी जो भगवान का भक्त होगा, प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, उसको भगवान के बारे में कुछ तो चीजें मालूम रहती है, थोड़ी बहुत चीजें। और फिर बताया जाता है कि अभी ये दो चीज है इसमें, प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं उसको थोड़ा बहुत मालूम रहेगा भगवान के बारे में, हम सब भक्त हैं,
हमें थोड़ा बहुत सबको मालूम है, ऐसा नहीं कि हमको नहीं मालूम है, थोड़ा बहुत मालूम है, लेकिन जैसे ही हम भक्ति में सेवा करने लगते हैं तो भगवान की कृपा से हमको सब कुछ ज्ञान आ जाता है। ये देखिए बहुत जरूरी चीज है वहां समझना हमें, कि जो भी थोड़ा बहुत भी भक्ति में आ जाता है, संपर्क में आ जाता है, तो थोड़ा बहुत कृष्ण के बारे में उसको ज्ञान आता है, ठीक है, लेकिन भक्ति में आने के बाद वो पूरी तरह से मन लगा के भगवान की सेवा करने लगता है, तो भगवान की कृपा से वो सब कुछ जान जाता है। सब कुछ जान जाता है मतलब उसको जो मुख्य चीजें हैं वो समझ में आ जाती है। तो सब कुछ जान जाता है कर उसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई हमको सब कुछ पूरी दुनिया में मालूम चल जाएगा। तो एक बार प्रभुपाद को पूछा गया कि सबसे बड़ी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है उसमें कितने खिड़कियां, तो महाराज बोले, प्रभुपाद बोले कि गुरु के कृष्ण की कृपा से जो भक्त को सब कुछ मालूम चल जाता है, इसका मतलब ये नहीं, आप मुझे पूछो कि रेगिस्तान में जो जो एक इल्यूजन दिखता है उसमें कितने पानी के बूंद हैं, तो ये सब दुनिया की जो काम की चीजें नहीं है उसका ज्ञान नहीं देंगे कृष्ण भगवान, लेकिन भक्ति में जो चीज लगता है उसका पूरी तरह से ज्ञान देंगे। तो इसके बारे में बताते हैं, फिर 9वें श्लोक में बताते हैं आगे कि भगवान जो है कभी कभी माया के प्रभाव में आ जाते हैं, पर ये सही नहीं है, क्योंकि भगवान कभी भी माया के प्रभाव में नहीं आ सकते, माया के स्तोत्र हैं भगवान, और ये जो है किसी भी प्रमाणिक रूप से सही नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान को ये जब व्यास देव जी ने देखा था, तो भगवान को देखा और भगवान के साथ उनकी माया शक्ति को देखा, क्योंकि ये माया शक्ति जो है वो जीव को पूरी तरह से प्रभावित कर लेती है, जिसके कारण इस भौतिक जगत में वो फंसा रहता है। तो फिर लिखते हैं प्रभुपाद, व्हाई द एक्सटर्नल एनर्जी एक्ट्स इन दिस वे मे बी कंसीडर्ड एज फॉलोज एज एनालाइज्ड बाय विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर एंड जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर दोनों इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि जीव जो है वो कैसे माया के प्रपंच में आ जाता है, और कैसे ये माया का प्रपंच भगवान पे जो है उनका असर नहीं होता। तो उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे जो है आसमान है, और आसमान के द्वारा जो है सूर्य है, विशेष रूप से सूर्य के द्वारा बादल आते हैं, सूर्य के द्वारा अंधकार आता है, और सूर्य के द्वारा बर्फ गिरते हैं। तो ये तीनों चीज सूर्य के कारण होते हैं, और आगे बताते हैं कि कई बार अंधकार में, बादलों में और बर्फ के कारण कई जीव जो है वो उनका उत्पत्ति होती है, लेकिन वास्तविक रूप में कैसा हो रहा है, सूरज के कारण ही ये सब जो है प्रकट हो रहे हैं, पर ये तीनों चीज मिलके सूरज को कभी छुपा नहीं सकते, अर्थात बादल, अंधकार और बर्फ, ये तीनों चीज जो है सूरज को छुपा नहीं सकते, पर जो जीव यहाँ खड़ा है वो बादल होने के कारण सूरज को नहीं देख सकता। तो ये उदाहरण जीव गोस्वामी और विष्णु ठाकुर दोनों बता रहे हैं कि माया शक्ति जो है जीव को अंधेरे में रख सकती है, पर माया शक्ति का कोई असर भगवान पे नहीं होता है। और फिर बोलते हैं कि जैसे ही अग्नि होता है, अग्नि में से कई चिंगारी बाहर आ जाती है, तो प्रभुपा लिखते हैं जैसे ही वो चिंगारी अग्नि में से बाहर आती है तो हमें मालूम है वो चिंगारी बुझ सकती है, वो कहीं गीले जगह पे गिरी तो तुरंत बुझ जाएगी, सूखे जगह पे रहेगी तो थोड़ा समय रह सकती है, लेकिन अगर वो पूरी तरह से घास या तिनके पे गिरती है तो वापस से प्रज्वलित हो सकती है। लेकिन एक चीज समझना है कि वो जो अग्नि का एक भाग है वो बाहर निकला है। तो वैसे ही बताते हैं प्रभुपाद कि हम जो है भगवान से अलग हुए हैं, जो पूरे अग्नि से एक अंश उनका बाहर हुआ है, तो जैसे ही बाहर होता है तो प्रभुपाद लिखते हैं दैट मिसफॉर्चून एंड मिजरीज बिगिन। हम जैसे ही भगवान से अलग हो गए तो हमारे दुख शुरू हो जाते हैं और हमारा दुर्भाग्य शुरू हो जाता है, और इसका विपरीत करेंगे कि जैसे ही हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हमारा जो है जीवन में आनंद शुरू हो जाता है और हमारा अच्छा भाग्य शुरू होता है। अभी वो हम पे है कि हम अपने जीवन में दुर्भाग्य और दुख चाहते हैं, या सुखी हो रहना चाहते हैं और हमारे जीवन में जो है हम भगवान की कृपा चाहते हैं। तो फॉर्चून चाहिए या मिस फॉर्चून चाहिए, मिजरी चाहिए या हैप्पीनेस चाहिए, भगवान के बिना हमारे लाइफ में मिस फॉर्चून और मिजरीज है,
भगवान के साथ हमारे जीवन में फॉर्च्यून और हैप्पीनेस, तो वो चॉइस आप में और मेरे पास, दोनों के पास है। हम उसका कैसा उपयोग करते हैं वो हम पे है। तो हम लोग आपको वापस से स्वागत करेंगे कल सुबह 6 बजे जपा के लिए। प्लीज ज्वाइन अस फॉर जपा टुमारो मॉर्निंग। और कल 4 बजे हम लोग भागवत कथा में, यहाँ 9वां श्लोक हमने आज समाप्त किया है, कल 10वें श्लोक से हम आगे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो एकत्रित हुए कथा के लिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।